नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हुए हैं अजमेर ऑटोमेटेड ड्राइविंग सेंटर में। आप कुछ ये बस है आपकी इस बार टाटा की, इसके पार्ट्स के बारे में जो बाहर नॉलेज है उसे थोड़ा बहुत आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो देखिए, ये सबसे आगे क्या लगा हुआ है, ये इंटरकूलर है। इंटरकूलर का काम क्या है, इंजन को अत्यधिक हवा की जरूरत होती है और एसी भी रहता है, तो इसको अत्यधिक ठंडा करने के लिए इनलेट मैनिफोल्ड में होता है। एग्जॉस्ट से आ रहा है, ये इनलेट मैनिफोल्ड में जा रहा है, मतलब इसमें ठंडा करने का कार्य ये भी करता है। प्लस पीछे लगा हुआ है हमारा रेडिएटर, ये रेडिएटर का अपर टैंक है, नीचे रेडिएटर का ये लोअर टैंक है। ये हमारी जो खड़ी खड़ी हैं ये हमारी ट्यूब्स हैं, और जो जिगजग टाइप की हैं ये हमारी फिन्स हैं। ये हमारा रेडिएटर रिजर्वायर टैंक है, ठीक है, इसमें मिनिमम है और मैक्सिमम है। ये हमारी मोटर लगी हुई है, ये हमारी वाइपर के लिए, वाइपर मोटर बोलते हैं इसे, ठीक है। आइए दोस्तों, आप अंदर की साइड देखिए, ये हमारा होता है हुड, ये हुड इसको ढकने के काम में आता है। ये हमारा क्या है, गैर लीवर, इसको गैर लीवर बोलते हैं, जो इसमें लगा हुआ होता है, ये बॉल जॉइंट होता है। बॉल जॉइंट के बाद में हमारा सिलेक्टर लगा हुआ होता है, जो हमारे नीचे गियर बॉक्स में लगा हुआ होता है, ठीक है। ये हमारा ऊपर का होता है टेपेड कवर, ठीक है, ये आपको देख रहे होंगे। ये हमारे बाल्ब हैं, नोजल्स हैं, जो 1 2 3 4 5 ये लगे हुए टेपेड कवर। इससे हमारी पहचान नहीं होगी कि हमारा कितने बाल्ब, कितने सिलेंडर गाड़ी है, ठीक है। हमारी गाड़ी अगर पहचान करनी है तो हमारे ये नोजल्स दिखने पड़ेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 और 1 6, मतलब 6 सिलेंडर गाड़ी है। और 6 सिलेंडर गाड़ी में इसमें क्या होता है, जो बड़े इंजन होते हैं उसमें एक पिस्टन पर 4 बाल्ब होते हैं, मतलब 2 इनलेट 2 आउटलेट, ठीक है। और ये हमारा लगा हुआ एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ये हमारा इनलेट मैनिफोल्ड है, ठीक है, यहाँ से हवाएं अंदर के लिए प्रवेश करती हैं। और ये हमारा फ्यूल इंजेक्शन पंप है, ठीक है, या फ्यूल फीड पंप भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारे डीजल यानी फ्यूल फिल्टर बोलते हैं। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी फिल्टर होता है हमारा कागज का, और पहला वाला होता है ये हमारी जो जाली होती है, जाली नुमा होता है, उस टाइप का होता है। ये हमारा इधर की साइड में ये देखिए दोस्तों, ये हमारा टर्बो चार्जर लगा हुआ है, और टर्बो चार्जर का काम है इंजन को एक्स्ट्रा ईंधन की जो हवा की जरूरत होती है उसको प्राप्त कराना है। इसकी कैपेसिटी कितनी बताई जाती है, 20-30% इंजन को हवा ज्यादा प्रदान करता है। ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सिर्फ एग्जॉस्ट हवाओं से चलता है। ये दोस्तों, ये हमारा टेपेड कवर है, नीचे हमारा सिलेंडर हेड होता है, सिलेंडर हेड के नीचे हमारा सिलेंडर ब्लॉक होता है, उसके नीचे ऑयल सम्प होता है, ऑयल सम्प के नीचे हमारा ड्रेन प्लग होता है जिससे ऑयल भी होता है, ऑयल सारा भरा हुआ रहता है उसमें। और क्या बताना है, ये हमारा ये सबसे जो दिख रहा है आपको, ये रेडिएटर फैन है, ये देखिए दोस्तों, ये रेडिएटर फैन है। रेडिएटर फैन किस पे लगा हुआ होता है, हमारा वाटर पंप है। वाटर पंप का काम है इंजन के जो वाटर जैकेट्स होती हैं उनमें हवा को प्रेस करना, कंप्रेस करके हवा में हवा को देना अंदर, क्योंकि साधारण रूप से नहीं जा पाएगी, इसलिए वाटर पंप की सहायता से प्रेसर से अंदर जाती है हवा। बस कर। अब देखिए दोस्तों, ये हम अपना जो डैशबोर्ड है इसके बारे में थोड़ी नॉलेज लेते हैं। ये हमारा आरपीएम मीटर है, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल जब रहता है तो 15-20 जो होता है वो हमारा सेफ रहता है, इतना आरपीएम गाड़ी का रहना चाहिए। ये एम्पियर है, एम्पियर मतलब क्या है, बैटरी के लिए एम्पियर रहता है, कितने एम्पियर चार्ज है या डिस्चार्ज है, हमारी बैटरी अल्टरनेटर ढंग से काम करता है कि नहीं, बैटरी में पूरा सल्फ्यूरिक एसिड है या नहीं, उन सबका काम भी करता है। अब देखिए, ये लेफ्ट वाला है, ये लेफ्ट एयर बार है, ठीक है। ये हमारा फ्यूल मीटर है, ये हमारा ऑयल बार है, ये हमारी गाड़ी में कितना ऑयल है। ये हमारा टेम्परेचर है, गाड़ी का जो थर्मिस्टेट वाल्व होता है वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे खुलता है, ठीक है। ये हमारा राइट वाला एयर बार है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर में ये अंदर हमारा ओडोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये इंजन स्टार्ट करने के लिए इसमें बटन दिया हुआ है, नॉर्मल सी गाड़ियों में चाबी घुमा के बच्चे करके देखते हैं, बट इसमें बटन दिया हुआ है, इसको हम लगा देते हैं। अगर हम 2 बार करेंगे तो हमारी हेडलैम्प चल जाएंगी, इसलिए हमें खाली 1 बार दबाना है और इंजन स्टार्ट वाला बटन दबाना है। ये हमारा पूरा बॉडी का इंटीरियर होता है, ठीक है। ये हमारी सामने की जो विंडशील्ड है, विंडशील्ड होती है, ठीक है। ये हमारे बस में इस टाइप के ये सनवाइजर दिए हुए हैं, ठीक है, खोल सकते हैं और लगा सकते हैं बाद में, ठीक है। ये हमारा इसमें ये मिरर दिया गया है, ये रियर व्यू मिरर होता है, या इसको इंटीरियर मिरर भी बोलते हैं। और ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा एयर फिल्टर है, वो चौक हो जाता है, उसके लिए ये हमारा रेड हो जाता है। इसमें यहीं पे दिया गया है, बहुत सी गाड़ियों में आगे दे दिए थे इसमें बोनट में, इसमें यहीं पे दिया है अंदर। अगर हमारा एयर फिल्टर चौक हो जाएगा तो ये रेड या ग्रीन हो जाता है। अगर हम साफ कर देंगे दोबारा से, इसको यहाँ से प्रेस करके एकदम साफ क्लीन दोबारा से हो जाता है, दोबारा से कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा बच रहा था, ये हमारा जो साइड वाला है ये इंडिकेटर होता है, ठीक है। ये हमारी फ्रंट वाली जो फॉग लैंप होती है उसके लिए होता है, ये रियर वाली फॉग लैंप होती है गाड़ी में उसके लिए होता है, और ये हमारा बैटरी के लिए, अगर बैटरी हमारा डिस्चार्ज या अल्टरनेटर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो ये रेड हो जाएगा। ये देखिए पी लिखा हुआ है, ये हमारी पार्किंग वाली लाइट होती है, हैंड ब्रेक जो डाल देते हैं पार्किंग में, प्लस ये वो दिखा रहा है, ये पार्किंग लाइट या 1000 लाइट में ये चलता है, ठीक है। अब ये देखिए, वाटर एंड फ्यूल, मतलब गाड़ी में अगर वाटर पूरा,
ये देखिए, ये वाटर एंड फ्यूल दिखा रहा है। ये वाटर एंड फ्यूल मतलब हमारी गाड़ी में पानी कूलेंट की मात्रा पूरी है या नहीं उसको दर्शाता है। ठीक है, ये हमारा जो हमारी हेडलाइट होती है तब ये ग्रीन हो जाता है तो मतलब सेफ है, चल रही है गाड़ी की लाइट हमारी। ये हमारा राइट वाला इंडिकेटर हो गया, जब हम राइट में मतलब मोड़ेंगे तो ये रेड हो जाएगा।